समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी की राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंत नगर से पार्टी के उम्मीदवार शिवपाल यादव ने कहा है कि वो उन विधानसभा इलाकों में जाना नहीं चाहते जहां कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि शिवपाल ने यह भी कहा कि अगर नेताजी कहेंगे तो वो जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए भी आगे प्रचार करने के बारे में अभी विचार नहीं किया है। इस बीच बीएसपी ने कहा है कि जब खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बता रहे हैं तो यूपी की जनता इस गठबंधन पर कैसे भरोसा कर सकती है। दरअसल अखिलेश यादव ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि परिवार में झगड़े की वजह से कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। मैंने शुरू से ही कहा है कि गठबंधन एक निश्चित समय और परिस्थितियों पर हुआ। अगर ये चीजें सामने नहीं आती और कुछ राजनीतिक फैसले ना लिए जाते तो गठबंधन नहीं होता, लेकिन समय और परिस्थितियां ऐसी थीं कि ये गठबंधन जरूरी था ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की प्रदेश में वापसी होगी। इस फैसले का अच्छा परिणाम ही मिलेगा। समाजवादी ऐसा महसूस करते हैं कि जब कांग्रेस काफी कमजोर हो गई तो उसने समाजवादी पार्टी को अपने सबसे करीब पाया। मुझे लगता है कि कांग्रेस कमजोर थी और समाजवादियों से दोस्ती भी सही है। कई बार समय और परिस्थितियां तय करती हैं कि आप किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। समाजवादी और कांग्रेस के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि समाजवादी नेता कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। और उधर शिवपाल यादव ने कहा है कि गठबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। अब इस पर मुझे कहीं नहीं जाना है, ये मुख्यमंत्री अपने आप देखें, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर इस पर मेरा कोई विचार करने का और बोलने का कोई मैं बोलना नहीं चाहता हूँ उस पर। और कांग्रेस के जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ मुझे नहीं जाना है, और जो हमारे लोग हैं अगर मुझे बुलाएंगे और हमारी पार्टी का आदेश होगा और नेताजी का आदेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे। और सुधींद्र भदौरिया इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बात भी आपको सुना दें। राहुल गांधी एक, मैं कहूंगा एक पप्पू और एक बब्बू, ये दोनों की जोड़ी एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर रही। आज उनका इंटरव्यू छपा है, कह रहे हैं हमारा तो मजबूरी का समझौता है। अरे मजबूरी का समझौता है तो इस मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ क्यों खड़ी हो? वो मजबूती के साथ बहन मायावती जी के साथ खड़ी है और उनको विजयी बनाएगी। तो देख रहे हैं आप किस तरह से, हालांकि अखिलेश यादव ये बात कहते रहे हैं कि ये सिर्फ दो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये तो दो दिल आपस में मिले हैं, दो युवाओं का गठबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर जो कश्मकश रही है पूरी पार्टी में वो इस बयान से साफ तौर पर झलकती है। जो परिवार में इसको लेकर विवाद रहा है, चाहे वो शिवपाल यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, वो भी इस गठबंधन का समर्थन नहीं करते, उनकी ओर से भी पहले बयान जारी किया गया, और अब खुद अखिलेश यादव ये बात कहते हुए कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हो गई थी और मजबूरीवश उन्हें ये गठबंधन करना पड़ा। और ऐसे में आप देख ही रहे हैं जो विरोधी दल हैं वो चुटकी लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं, चूक नहीं रहे हैं। तो शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही और जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं वो वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि अगर उन्हें कहते हैं मुलायम सिंह यादव तो वो इस बारे में सोच सकते हैं।